हम लास्ट डिजिट फाइंड करने लगे टू की पावर 2023 का। अगर टू की पावर कुछ भी गिवन हो आपको, टू की पावर कुछ भी हो और आपको उसका लास्ट डिजिट फाइंड करने को कहा जाए तो आप कैसे करोगे? एक सिंपल से ट्रिक बताते हैं हम आपको। देखो ये सारी टू की पावर्स है। देखो टू की पावर 1 क्या है, टू टू की पावर 2 क्या है, फोर टू की पावर 3 क्या है, एट टू की पावर 4 क्या है, 16 टू की पावर 5 क्या है, 32 टू की पावर 6 इज 64, 128, 256 एंड द सीरीज गोज ऑन। अगर आप गौर से देखो हम यहाँ पे इंटरेस्टेड है लास्ट डिजिट में। टू की पावर कुछ भी हो हम उसके लास्ट डिजिट में इंटरेस्टेड है। तो देखो टू की पावर 1 था तो लास्ट डिजिट 2 था, लास्ट डिजिट मतलब 1 है तो लास्ट डिजिट वही होगा। सिमिलरली 4 8 6 एग्जैक्टली गौर से देखो 2 4 8 6 2 4 8 6। तो टू की पावर कुछ भी हो तो लास्ट डिजिट जो आ रहा है, लास्ट डिजिट कुछ भी आ रहा है वो एक साइकिल में आ रहा है, और साइकिल में आ रहा है और साथ में रिपीट हो रहा है। किस साइकिल में आ रहा है? 2 4 8 6 में। और साइकिल किस साइकिल की लेंथ का है? 4 का, 4 साइकिल के लेंथ का। देखो करना क्या, हमने ना 2023 का मालूम करना था, और हम जानते हैं कि टू की पावर कुछ भी हो, क्योंकि पावर कुछ भी हो तो या तो वो 2 होगा या तो 4 होगा या 8 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इन तीन चारों में से एक ही बात होगी। लेकिन यहाँ पावर क्या है? 2023। अब साइकिल की लेंथ कितनी है? 4। तो जब हम इसको डिवाइड करें ना 4 पर तो हमारा आंसर आता है 505, ठीक है, और रिमाइंडर साथ में हमारा आता है 3। इट मीन्स कि ना जो साइकिल है ना वो लेंथ 4 का है, मतलब कि लेंथ 4 का साइकिल तो है ही, लेकिन जो रिमाइंडर है वो 3 है। इट मीन्स को 3 रिपीट हो, तो 2 की पावर 3 क्या है? 8। तो इट मीन्स हियर सो आंसर इज 8। 2 की पावर 3 से 8 था, इट मीन्स 8। आप सोच के बताओ एवरीबडी, 2 की पावर 23 2020 आ जाए तो क्या? ओलंपियड में सवाल आया था सब बच्चे। एग्जैक्टली अब देखो 2020 तो डिविजिबल बाय 4 है और रिमाइंडर 0 आता है। अब रिमाइंडर 0 आएगा ना जब, अब तो आप कहोगे रिमाइंडर 2 की पावर 0 तो आप कहोगे 1 होता है तो अब तो 1 आना चाहिए, लेकिन आपने तो कहा था कि लास्ट डिजिट 4 ही हो सकते हैं, 2 4 8 6। अब यहाँ तो आंसर 1 आ रहा है, इसका बताओ क्या होगा? तो मजा आए। तो अब हमेशा याद रखना कि जब भी अगर आप लोग इधर देखो तो 2 की पावर ना जब भी 4 का मल्टीपल आने से, यहाँ 4 है, 4 का मल्टीपल 4 है, 4 का मल्टीपल 8 है, 4 का मल्टीपल 10 है, 10 नहीं सॉरी 12 है, तो जब भी 4 का मल्टीपल आ जाए, 4 का मल्टीपल 2 की पावर में आ जाए साइकिल 4 का, इसलिए कह रही हूँ, तो हमेशा याद रखना लास्ट डिजिट 6 है। यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट 6 है, यहाँ पे क्या लास्ट डिजिट 6 है, अगर 4 का मल्टीपल आ जाए तो इसका लास्ट डिजिट बच्चों क्या है? 6। सो दिस इज अ वेरी सिंपल।